जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र हैं। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने तो कलम तोड़ दी, राम न सके ही नाम गुण गाई। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद भगवान का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूली लेने दौड़ते हैं। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप ना हो। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हरि नाम, हरि का नाम। और आपसे भी यही कहता हूँ, नाम का आश्रय लीजिए, सारे पाप तापों से छुड़ाने में यह पूर्ण सामर्थ्य रखता है। नाम जप पर पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के विचार। भगवान के नाम की महिमा अनंत है और बड़ी ही रहस्यमयी है। महेश व गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सके ही नाम गुण गाई, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर यथकिंचित लिखने की चेष्टा की जाती है। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में श्री हरि का नाम ही श्री हरि का नाम ही श्री हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग ज्ञान आदि साधनों का ज्यों का त्यों संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न कोई खर्च है, न परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। विवश होकर भी श्री हरि नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे शेर से डरकर हिरण भाग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। किसी प्रकार भी नाम लेने पर पापों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव आदि की शर्तें क्यों लगाई जाती हैं। इसका उत्तर देते हैं संत भगवान कि श्रद्धा आदि की शर्तें शीघ्र प्राप्ति के लिए हैं। प्राप्ति तो नाम लेने वाले सभी को होगी, परंतु श्रद्धा प्रेम तथा निष्काम भाव से नाम जपेगा उसको बहुत शीघ्र प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न साधक का, अपनी समझ से तो लोग प्रेम पूर्वक ही भगवान के नाम का जप करते हैं फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, इसमें क्या कारण है। यदि प्रेम की कमी ही कारण माना जाए तो फिर उस कमी की पूर्ति कैसे होगी। संत भगवान कहते हैं, प्रेम भाव से जप करते करते ही उस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है जिसमें विकल होकर एक बार भी नाम उच्चारण करने से भगवान दर्शन दे सकते हैं। साधक ने प्रश्न किया,
सकाम प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं या निष्काम प्रेम से। संत भगवान कहते हैं प्रेम का बाहुल्य हो तो सकाम से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, परंतु सकाम प्रेम भी द्रौपदी या गजेंद्र का सा अनन्य होना चाहिए। जब सकाम से भगवान प्रकट हो सकते हैं तब निष्काम के लिए तो कहना ही क्या है। शास्त्र कहते हैं, साधक ने प्रश्न किया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, फिर नाम जप से मुक्ति का होना कैसे माना जाए। संत भगवान कहते हैं भगवान को यथार्थ तत्व से जान लेना, यानी भगवान जैसे हैं वैसे ही उनको जान लेना ज्ञान है, और भगवान को यथार्थ तत्व से जना देने की शक्ति नाम में है, फिर मुक्ति होने में क्या संदेह रहा। साधक ने प्रश्न किया स्नान आदि करके अच्छी तरह पवित्र होकर विधि पूर्वक नाम जप करना चाहिए या विधि अविधि की कुछ भी परवाह न करके इसी प्रकार नाम जप नियत सर्वाया में करना चाहिए या जितना मन हो उतना ही करना है। संत भगवान कहते हैं भगवान के नाम की महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसे भी बीज डाले जाएं वे उगते ही हैं, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में है किस विधि पूर्वक या संख्या युक्त जप करने से यथार्थ आदर सत्कार होता है, और सत्कार किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते वे भूल से जप छोड़ भी देते हैं। साधक ने प्रश्न किया जब केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है तब अर्थ सहित जप की क्या आवश्यकता है। संत भगवान कहते हैं जप अर्थ सहित करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। जैसे किसी होज में दो नाले से जल आ सकता है, परंतु उनमें एक खुला है और दूसरा बंद है। एक नाले से आने वाले जल से होज दो घंटे में भरता है, पर यदि दूसरा नाला भी खोल दिया जाए तो होज दो घंटे के बदले एक घंटे में ही भर सकता है। इसी प्रकार अर्थ सहित जप करने से शीघ्र लाभ हो सकता है। साधक ने प्रश्न किया वेद उपनिषद और गीता में प्रणव की महिमा बहुत मिलती है, क्या भगवान के अन्य नामों की भी ऐसी ही महिमा है। भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारक हैं। संत भगवान कहते हैं भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारक हैं। राम कृष्ण हरि नारायण दामोदर शिव शंकर आदि नामों की तो बात ही क्या है। अन्य धर्मी लोगों के जो भगवान के नाम हैं उन नामों की भी बड़ी महिमा है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे वे सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, फिर नाम चाहे कोई भी हो, जल पानी नीर वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे जल ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि प्रेम और विश्वास होता है उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा है और सूरदास जी को कृष्ण नाम। श्रद्धा और प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही नाम का फल भी न्यूनाधिक हो जाता है। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी का नाम जप कीर्तन कर सकता है। न जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है जो दुख नाश भोगों की प्राप्ति तथा मान बढ़ाई आदि के लिए नाम जप करता है, परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है वह बड़ी गलती में है। वास्तव में वह ठगा ही जाता है। भगवान के जिस एक नाम के सामने तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गंवा देना बुद्धिमानी नहीं है। तीनों लोकों का राज्य अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं, वे भगवत प्राप्ति रूपी फल भी नहीं चाहते।
अतएव भगवान के किसी भी नाम का जप किया जाए, सभी नाम मंगलमय हैं, पर निष्काम तथा प्रेम भाव से जपने का विशेष महत्व होता है। भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से किसी के भी द्वारा कैसे भी किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला ही है। फिर जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक अर्थ सहित निष्काम भाव से और गुप्त रूप से नाम जप किया जाता है, वह तो उसी क्षण परम कल्याण रूप फल देने वाला होता है। भगवत प्राप्ति तो किसी प्रकार भी नाम जप करने से हो जाती है, परंतु वह कालांतर में होती है। हाँ, अंत समय के लिए कोई शर्त नहीं है। भगवान परम दयालु हैं, उन्होंने दया करके ही जीव को यह मोक्ष उपयोगी मनुष्य शरीर दिया है, और उन्हीं दया में ने यह विधान भी कर दिया है कि अंतकाल में किसी प्रकार भी जो मेरा नाम स्मरण कर लेगा उसे मेरी गति प्राप्त हो जाएगी। किसी को फांसी की आज्ञा होने पर जब साधारण राज नियम के अनुसार भी मृत्यु से पहले उस मनुष्य की इच्छा पूर्ण करने का सुभीता कर दिया जाता है, तब परम दयालु परम सुहृद सर्वसमर्थ प्रभु मनुष्य जीवन के अंतकाल में जीव के साथ ऐसा दया का बर्ताव करें, यह उचित ही है। ऐसा परम कारुणिक परम प्रेमी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा को विसार कर एक क्षण के लिए भी दूसरी वस्तु का भजन या सेवन करना महान मूर्खता है। भगवान ने स्वयं चेतावनी देते हुए कहा है, तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अतएव हम सब लोगों को श्रद्धा पूर्वक निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भगवान के नाम का ही जप कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जय श्री राधे।